खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल के साथ स्थानीय दुकानदार द्वारा हाथापाई करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जंक्शन थाने के सामने दुकान मालिक द्वारा नगर परिषद की सीसी सड़क को तोड़ा जा रहा था, जिस पर सूचना पाकर नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल व जेएन मौके पर पहुंचे तो दुकानदार ने तेज में आकर सभापति गणेशराज बंसल के साथ हाथापाई की। दुकानदार ने सभापति पर ईंट मारने का भी प्रयास किया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर सभापति को सुरक्षित वहां से निकाला। बाद में सभापति और विभाग के जेएन ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में हाथापाई करने वाले दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जी बताइए सर, ये गणेश बंसल के साथ में हमारी पुरानी लागडाट चल रही है। इसके बाप को हमने काम लगाया था, जब हिसाब मांगा तो इसने हमें हमारी शिकायतें सबूत कर दी। हमने इसके अंदर क्या नाम है कोर्ट में दावा कर दिया। दावा 40-42 साल चला तो यहाँ पे लोक अदालत में उसका सेटलमेंट हुआ 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए का इसने पोस्ट डेटर चेक दे दिया। पोस्ट डेटर चेक जो है वो इसने बाउंस करा दिया। कहता मैंने तो कोर्ट को मूर्ख बनाया, हमें कोई पैसे पूसे नहीं देने के। चलो जी, हमारे पास में इसकी 3-4 फाइलें हाथ लगी, जो फ्रॉड किया हुआ था इसने प्लाटों का, तो उसके हमने केस कर दिए, FIR दर्ज करा दी। तो उसमें एक केस में ये अरेस्ट होने वाला है। ये प्रेशर बना रहा है हमारे पे हर काम, क्यों चेयरमैन है, कहीं भी जाके खड़ा हो जाता है, ये काम बंद करो, ये काम बंद करो। तो आज ये हमारे 9:30-10 बजे आ गए, यहाँ पे रैंप बना हुआ है, रैंप के आगे इसने सड़क से 1.5 फुट ऊंचा थड़ा बना दिया। पहले तो कार पार्किंग का ये टेंडर किया था कार पार्किंग का, फिर जब हमने कोर्ट से स्टे ले लिया तो ये कहता सौंदर्यकरण कर रहे हैं सड़क का, वो सौंदर्यकरण के नाम पे इसने 1.5 फुट ऊंचा सड़क से बना दिया और हमारा जो बेसमेंट का गेट है वो गेट बंद हो गई। तो हमने अब मिस्त्री लगाया था भी इसको थोड़ा सा छील लें ऊपर से ताकि इसका स्लोप सही हो जाए, उसके लिए मिस्त्री लगाया हुआ था, तो ये आ गया कहीं से आगे मिस्त्री के साथ ऊंचा नीचा बोलने लगा, काम बंद करवा दिया। इतने मेरा बेटा आ गया पंकज, बाजार गया हुआ था, उसने आके देखा तो उसको ये ऊंचा गाड़ी गुड़ी निकालने लगा। मेरे को मैसेज गया तो मैं भी आ गया यहाँ पे, तो ये बकवास कर रहा था, गाड़ी निकाल रहा था माँ बहन की, तो मैंने इसको कहा भी तो गाड़ी कैसे निकालता है, इतने में हमारी हाथापाई होगी। मारपीट तक की नौबत आ गई, बीच बचाव कर दिया लोगों ने, छोड़ गए, उसकी FIR दर्ज करवाई है। आपने क्या मुकदमा दर्ज कराया? भी ये मेरे साथ में मारपीट की है इसने, हाथापाई की है, गाली गलौज की है, बिना मतलब से हमें आगे परेशान करता है, ये इसके ऊपर कार्रवाई। आज सुबह मुझे फोन पर सूचना मिली कि नगर परिषद द्वारा निर्मित सीसी सड़क जो पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के सामने SBI बैंक के पास थी, उसे तोड़ा जा रहा है, हैमर से तोड़ा जा रहा है। मैंने धीरज कुमार जयन को फोन पर सूचित किया, विनोद कंडा स्वच्छता निरीक्षक को भी मैंने मौके पर भेजा। मौके पर वो गए, सड़क तोड़ी जा रही थी, हैमर से तोड़ी जा रही थी, दो मजदूर तोड़ रहे थे। धीरज कुमार ने, विनोद कंडा ने मकान मालिकों को, जो पंकज कुमार को है, अमृतलाल को ये काम करने से रोका, तो वो उनके साथ बहसबाजी करने लग गए। तो इसके पश्चात धीरज कुमार ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तो मैं भी वहाँ मौके पर पहुँचा। तो मैंने उन्हें सरकारी सड़क तोड़ने से कहा, रोका, उसको कहा कि भाई तुम ये नहीं तोड़ सकते। तब वो मेरे साथ ही बहसबाजी करने लगे और मेरे साथ गाड़ी क्रॉस करने लगे कि तेरे बाप की सड़क है, ये वो फलान देखा है। तो मेरे साथ बाद में पंकज सिंगला अमृतलाल ने धक्का सही की, वह हाथापाई की। इसके पश्चात सामने होटल वाले ने वैन भक्तियों ने बीच बचाव करके छुड़ाया। इसके पश्चात मेरे द्वारा धीरज कुमार को निर्देश दिया गया कि जो मौके पर जो हैमर और जो सामान इसको जब्त कर लो। तब उसने पंकज कुमार ने घर से वापस आकर धीरज कुमार को धक्का देकर उसको छाती सूचक गाड़ी निकालते हुए और वो हैमर छीन के ले गया। कहने लगा अभी तुमने जो मुकदमा कराना है वो करा दो। इसकी घटना की मुकदमा हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में दर्ज कराया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप निर्माण कर रहे हैं, लंबे समय से करवा रहे हैं शहर के अंदर, और भी एक संदीप सोनी नामक व्यक्ति है, वो इस तरह से शिकायतें की जा रही है, सब कहते हैं क्या है आखिरकार? ये 4-5 ब्लैकमेलर हैं शहर में, जिनका काम सिर्फ नगर परिषद की शिकायतें करना है। वो बड़े चेयरमैन राजकुमार या इसहारिया हो या गणेश बंसल हो, आयुक्त शैलेंद्र गुजारा हो या पूजा शर्मा हो, सुभाष बंसल एक्शन हो या राजेंद्र स्वामी हो, या संदीप सोनी का तो काम ही है
ये गत बोर्ड में भी इसके द्वारा तत्कालीन चेयरमैन ईओ एक्शन एजेंट पर मुकदमे दर्ज कराया जाता रहा। ये एक ब्लैकमेल प्रवृत्ति का आदमी है, इसका काम ही लोगों से पैसे मांगना है, जो इसको पैसे नहीं दे उसकी शिकायतें करता है। खुद ये 376 का मुलजिम है। हाँ जी, आज जो घटना घटी क्या कहेंगे इस संबंध में? आज सुबह मौके पर हमारे सभापति गणेश राज बंसल जिस प्रकार शहर के लिए सजग हैं, उसी सजगता को देखते हुए उनके पास एक फ़ोन आया कि कोई व्यक्ति थाने के सामने जो सीसी रोड बनाई गई है उसको तोड़ रहे हैं हैमर से। सभापति जी ने तुरंत प्रभाव से कनिष्ठ अभियंता धीरज जी को वहाँ मौके पर जाने के लिए कहा। वो मौके पर गया तो उन्होंने पूछा भी ये कौन तोड़ रहा है, तो सामने जिनकी बिल्डिंग है अमृत सिंगला और उसका लड़का उज्ज्वल बंसल उज्ज्वल सिंगला वो आ गए और आके धीरज जो हमारा कनिष्ठ अभियंता है उसके साथ अभद्रता से बोलने लगे। तभी मौके पर सभापति जी को बुला लिया गया। सभापति जी गए, उन्होंने कहा भी हमने आपसे बहस नहीं करनी और कनिष्ठ अभियंता को आदेश दिया भी आप अपनी नोट शीट जारी करें और सरकारी जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। इस बात से वो भड़क गए और सभापति जी के साथ भी हाथापाई की और जब कनिष्ठ अभियंता धीरज कुमार जी ने सामान जब्त करने की और हमारे विनोद कंडा जो सफाई निरीक्षक हैं उन्होंने सामान जब्त करने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की और उन्हें जाति सूचक गालियाँ, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं और एक दलित समाज के आदमी को इस प्रकार अभद्रता से पेश आना और एक गालियां देना किसी व्यक्ति के लिए अगर वो रसूखदार हैं तो अच्छा नहीं है। और एक शहर के सभापति जो शहर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज अकेला देख के उनके साथ अगर वो हाथापाई करने पर उतारूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है, सभी पार्षद भी यहाँ मौके पर खड़े हैं और पुलिस उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी जल्द से जल्द और ऐसे व्यक्तियों को जेल में ही जाना मैं मानता हूँ उचित है और भविष्य में पुलिस ऐसी कार्रवाई करे भी ये ऐसी घटना जो है वो पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने साथ फोर्स लेके नहीं चलता। आज शहर के सभापति हैं, उनको हर जगह जाना पड़ता है। इस प्रकार की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं और हमारे सभी साथी पार्षद इस घटना की निंदा करते हैं। धन्यवाद। धीरज कुमार जेएन नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा एक रिपोर्ट है जो राजकार्य मजा जाति सूचक गालियाँ निकालने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मारपीट धक्काधम संबंधी जो रिपोर्ट दी गई है उस पर प्रकरण दर्ज किया गया और अग्रिम तफ्तीश हेतु श्रीमान सीओ साहब को फाइल भिजवाई जाएगी और इसी के क्रॉस में ही अमृत सिंगला जी द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और जिस पर भी प्रकरण दर्ज करके और रिपोर्ट उनको भेजा जाए। क्या सर इसमें क्या एप्लीकेशन में लिखा है उन्होंने, क्या घटना है जी? अमृत सिंगला द्वारा तो ये लिखा है कि मैं मेरे अंडरग्राउंड के लिए जो रोड सही कर रहा था तो रास्ता सही कर रहा था और इन्होंने आकर के गाड़ी को उसकी रास्ता रोककर मारपीट की धक्का दुमकी और ये प्रकरण दर्ज। और सरकारी कार्य मामला में क्या लिखा सर जो धीरज कुमार ने एप्लीकेशन दी? हाँ, उन्होंने ये बताया कि हमें सूचना मिली थी कि इस रोड को जो तोड़ रहे हैं तो सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, जिस पर जो कार्रवाई के लिए आए थे मौके पे और उन्होंने जब सूचक गालियाँ धक्का दी।